रविन्द्र साहू झूमरवाला उम्मीदवार चुनावी बनाया गया है। ये लगातार अपने क्षेत्र के मतदाताओं से मिल रहे हैं और क्षेत्र में हुए विकास को नाकाफी बता रहे हैं। उनका कहना है कि अगर जनता उन्हें मौका देती है तो निश्चित ही गोविंदपुरा की दशा और दिशा दोनों बदल देंगे और रुके विकास कार्यों को पूरा करेंगे। गोविंदपुरा विधानसभा सीट से कांग्रेस प्रत्याशी रविंद्र साहू झूमरवाला मैदान में हैं और लगातार जनसंपर्क कर रहे हैं। आप देख रहे हैं लोगों के बीच जा रहे हैं, लोगों से गुहार लगा रहे हैं कि उन्हें इस बार मौका दें और वो इस बार निश्चित ही जो विकास कार्य नहीं हुए हैं यहाँ उसको वो करना चाहते हैं। रविंद्र जी बहुत मेहनत कर रहे हैं, काफी लोग आपके साथ जुड़ रहे हैं और आप देख रहे हैं कि इस विधानसभा में क्या कमियां हैं, तो उनको कैसे पूरा करेंगे, क्या लोगों से कमिट कर रहे हैं? देखिए, जो भी विकास इस क्षेत्र में 50 साल में नहीं हो पाया है, 7-8 मुद्दे हैं, विभिन्न मुद्दे हैं जिनको लेके हम जय माता दी, जय ध्यान देंगे। इस बार बदलाव करना है क्षेत्र में, जो भी विकास के मुख्य मुद्दे हैं, जैसे नर्मदा जी का जल हर घर पहुंचाएंगे, सड़कें, नाली, आपका बिजली, सरकारी अस्पताल, बहुत सारी चीजें जिनको हम लेके लड़ाई लड़ रहे हैं। बिल्कुल, यानी कि बहुत सारे विकास के काम हैं जो रविंद्र साहू करना चाहते हैं और निश्चित जी रविंद्र जी का कहना है कि विकास की गंगा निश्चित ही उनके जीतने के बाद होगी, लेकिन वो मूलभूत सुविधाएं, सड़क, बिजली, पानी, वो बहुत सारी समस्याएं हैं यहाँ पर जिन्हें आप लगातार देखते आ रहे हैं और जिनके निदान की बात आप हमेशा करते हैं। जी बिल्कुल, सड़क, बिजली, पानी की अगर आप बात करते हैं तो वो मूलभूत सुविधाएं, सड़क, बिजली, पानी, बेरोजगारी, बहुत सारे मुद्दे इनके लिए हमने रोड मैप तैयार किया है कमलनाथ जी के नेतृत्व में। जनता जनार्दन का भी हमें चुनती है तो हम यहाँ विकास की नई राह खोलेंगे और गोविंदपुरा को इस देश की सबसे अच्छी विधानसभा बनाएंगे। जी बिल्कुल, ये तो थे रविंद्र साहू जिन्होंने कहा कि गोविंदपुरा को विकास की गंगा बहाकर सबसे बेहतर विधानसभा बनाएंगे और उसके लिए वो प्रयास कर रहे हैं, लोगों के बीच जा रहे हैं, बड़े बुजुर्गों से आशीर्वाद ले रहे हैं और निश्चित ही उनके साथ युवा भी काफी जुड़ गए, तो उनको ये उम्मीद है कि इस बार जो है वो भारी जीत से यहाँ आएंगे और लोगों के सारी समस्याओं का समाधान करेंगे। कैमरामैन सतीश गुप्ता के साथ मैं प्रिंस गुप्ता, TV24 भोपाल।